मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की कैबिनेट में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंकने का मामला सामने आया है। पुतला बीजेपी के देपालपुर के विधायक मनोज पटेल के समर्थकों ने फूंका है। वे सभी समर्थक कैलाश विजयवर्गीय के उनके विधायक के लिए दिए गए बयान से गुस्सा थे। आक्रोशित समर्थकों ने कहा कि हम कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि विजयवर्गीय मीडिया के सामने आकर माफी मांगे। मनोज पटेल हर कार्यकर्ता खड़ा, वो मनोज पटेल है यहाँ पर, और मनोज पटेल की जीत हर कार्यकर्ता के रूप में हुई है, इसलिए विधायक बने हैं। और इस पे सवाल या निशान लगाना इतना वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता है। दरअसल इंदौर बीजेपी ऑफिस पर अभिनंदन कार्यक्रम में आयोजित किया गया था, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। विजयवर्गीय ने अपने भाषण के दौरान देपालपुर विधायक मनोज पटेल को लेकर बयान दिया था। आइए मनोज जी, अब मनोज जी जैसे लोग जीत गए मतलब बहुत बड़ी बात है। कार्यक्रम के दौरान विजयवर्गीय के इस बयान पर वहां मौजूद विधायकों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाई थी। हालांकि जब विजयवर्गीय के इस बयान की जानकारी देपालपुर विधायक के समर्थकों तक पहुंची तो वो नाराज हो गए, जिसके विरोध में मनोज पटेल के सैकड़ों समर्थकों ने गौतमपुर नगर के गांधी चौक पर विजयवर्गीय का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। दरअसल मनोज पटेल की राजनीति शिवराज सिंह चौहान की छत्र छाया में पली बड़ी है। हालांकि बीच में मनोज पटेल सुमित्रा महाजन के समर्थक भी रहे हैं।